हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। त्रिस्टडी अड्डा पर मैं आपका शुभचिंतक आशीष कुमार सैनी। आज पढ़ने जा रहे हैं हम पर्सनालिटी 2.2। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, बेसिक जानकारी, और 2.1 के बारे में। आज पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कोई संख्या है उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमने अभाज्य के रूप में पहले पढ़ लिया पिछले वीडियो में। तो अभाज्य क्या होता है पहले इसके बारे में समझेंगे, गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसमें जो भी पद आएंगे वो क्या आएंगे, अभाज्य आएंगे। क्या आएंगे? अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 45, तो इसको क्या निकालेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। किसका दायरा शुरू में? 3 का। कितनी बार गया? 15 बार। वापिस 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। ये जो भी है सब क्या है? अभाज्य गुणनफल। इनकी 3 भी क्या है? एक अभाज्य। ये 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। इन ये क्या है? 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न। देखते हैं हमारा पहला, चार सौ अड़सठ। सम संख्या है, 2 का तो जाएगा ही, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 का 1 बार, 1 बार, 7 बार, फिर 3 का देते हैं 3 बार और 9 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार, 3 बार, फिर इसके जा रहा है 13 में 13 का जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही। तो ये जो भी आए हैं हमारे पास जितने भी गुणनखंड, वो क्या है? सभी अभाज्य। तो इनको रूप में व्यक्त करते हैं हम, तो लिख सकते हैं 468 बराबर, 2 कितनी बार है? 2 की पावर हम क्या लगा सकते हैं? 2। 3 कितनी बार है? 3 की पावर 2 × 13, यानी कि 468 को हम व्यक्त कर सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 13। ये क्या हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, 245। तो देखिए दोस्तों, 3 का देखते हैं कितनी बार गया। इसमें गया 3 बार, 1 बार और 5 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार भाग 0 और 5 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है वापिस। 3 का देंगे 3 बार और 5 बार, फिर क्या जा रहा है? 5 का कितनी बार गया? 7 बार, 7 का दिया 1 बार। अब ये जो भी आए हैं हमारे पास जितने भी गुणनखंड, वो सभी क्या है? अभाज्य। क्या सभी? अभाज्य। तुम लिख सकते हैं इनको 945 बराबर 3 की पावर क्या लगा सकते हैं? 1, 2, 3। 3 की पावर 3 × 5 × 7। ये जो भी आए हैं हमारे पास सभी क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2.2 का। क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्या है, दो पूर्णांक है, उनका पहले सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएफ और एलसीएम, यानी कि मैसे और लैसे। निकालने के बाद उनमें संबंध की जांच करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएफ × एलसीएम, यानी कि मैसे × लैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे पहला पहला पूर्णांक है ए, दूसरा मान लिया हमने बी, ठीक है। तो यानी इन दोनों का गुणा
बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एल, यानी पहला फॉर्मूला हो गया हमारा पास। इसी से हम इन चारों में से किसी का भी फॉर्मूला, यदि एक हमें ज्ञात करवाना हो तो इसी से हम कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है, माना कि दोनों क्या दे रखा है, गुणा, दोनों पूर्णांक भी दे रखे हैं। हमें इधर क्या दे रखा है, एच सी एफ, क्या दे रखा है, एच सी एफ। यानी हमें एच सी एफ ज्ञात करना हो तो हमें एल सी एम का भाग भी दे सकते हैं। और यदि आपको एल सी एम ज्ञात करवा रहा हो तो दोनों पूर्णांकों के अंतर्गत हम एच सी एफ का भाग दे सकते हैं। और यदि आपको एक ही संख्या दे रखी है और आपको ये दोनों दे रखे हैं, एच सी एफ भी दे रखा है और एल सी एम भी दे रखा है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि पहली संख्या यदि हमें ज्ञात करवा रहा हो तो हम एच सी एफ इंटू एल सी एम में किसका भाग दे सकते हैं, दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या। उसी प्रकार जैसे मान लो दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहे, यानी कि बी ज्ञात करवा रहा हो, तो हम दे सकते हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम बटे ए, यानी कि पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके साथ। प्रश्न है हमारा, जैसे 44 व 404, 44 और ले लेते हैं 96। अब देखिए आपको सबसे पहले इनका क्या निकालना है, एच सी एफ और एल सी एम, यानी कि मैं से एच सी एफ और लेस एल सी एम। आपको ये दोनों ज्ञात करना है पहले, तो उसके बाद में संबंध की जांच करेंगे कि दो पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मैसा इंटू लेसा के बराबर। तो सबसे पहले हम मैसा निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं अलग दोनों का। सबसे पहले किसका जा रहा है, दो का, 4 8 बार, फिर दो का देंगे 2 बार 4 बार, फिर दो का देंगे 1 बार 2 बार, फिर दो का देंगे 6 बार, दो का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। उस प्रकार से निकालेंगे, दो का दिया 2 बार, इसमें भी 2 बार, फिर दो का दिया 1 बार और 1 बार। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए अब हमारा जो छिन्नमय है, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार हो गया, 5 बार, 1 2 3 4 5 इंटू क्या बच गया, 3। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, 2 × 2 × 101। अब देखिए मैं लगा सकता हूँ यहाँ 2 की पावर 5 × 3, एक तो ये हो गया, और इधर लगा सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 × 101। अब देखिए आपको मैसे हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं। तो देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है, यानी कि 2
आ रहा है, दोनों में सेम है, तुम ले सकते हैं। मैस है बराबर, एक दो, ये दूसरा दो, इसमें भी आ रहा है, तो ये इनटू दो, बाकी ये दो तीनों इसमें नहीं है, यानी कि इनको नहीं लेंगे। बचा तीन, इसमें भी नहीं है, छोड़ दिया। 101 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो हम नहीं लेंगे। तो मैसे में क्या हो जाएगा, ओनली दो इंटू दो करेंगे, कितना आ गया, चार। हमारा मैसे कितना आ गया, चार। अब देखिए लैसे, लैसे में देखना है क्या लेना है, तो लैसे बराबर में लिख देता हूँ, अभाज्य गुणन खंडों में से अधिकतम घात वाले भाज्य गुणन खंड लेना। तो देखिए लैसे लेंगे तो 2 की पावर सबसे अधिकतम कितनी है, 5। 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 की घात 5। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1, यानी इसमें नहीं है लेकिन फिर भी लिया जाएगा। 101 इसकी भी अधिकतम कितनी है, 1 बार, यानी कि मैसे में तो हम उभयनिष्ठी गुणनखंड लेंगे, और लैसे के अंतर्गत उभयनिष्ठ तो है ही, वो तो लेंगे, उसके अलावा जितने भी गुणनखंड हैं उनको भी एक साथ लिया जाएगा। तो हमारा लैसे हो जाएगा, याद कर लेते हैं, इंटू 3 × 101, 4, 8, 16, 32, 32 × 303। छः जीरो, 9, 0, 9, कितना आ गया, 96, 96, 9696। यानी कि हमारा लैसा कितना आ गया, 9696, और मैसा आ गया हमारा 4। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि इसमें संबंध ज्ञात करना है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो संबंध ज्ञात करेंगे हम इसमें, क्या ज्ञात करेंगे, संबंध, यानी कि जांच, यानी कि ये सही है या गलत। तो लिख सकते हैं यहाँ दो पूर्णांक हो गए गुणनफल के रूप में, और हमको निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला गुणांक है हमारा 96 इंटू 404। अब आपको इन दोनों गुणा करके लिखना है, तो लिखना है चौका 24, 2 का 2, 6 चौका 24, 4 × 36, 4 × 36, 4, 8, 7, 8, 3, यानी गुणनफल कितना आ गया इसका, तो 38,784। इसी में भी ज्ञात करेंगे, यानी कि हमारा इन दोनों गुणनफल कितना आ गया, 38,784। अब देखिए हमारा एलसीएम है 4 × 9696, हमारा क्या हो गया एलसीएम, दोनों क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, तो हमारा सवाल सही है नहीं तो गलत है। तो 4 का फाड़ 6 चौका 24, आंसर की 2, 36 2, 38, आंसर की 3,
24 और 3 27 हासिल की, तो 36 और 2 38, यानी कि हमारा सवाल सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देख लेते हैं कि हमें प्रश्न में अंतर दे रखा है कि दो संख्या दे रखी है, उनका क्या निकालना है। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उनमें संबंध ज्ञात करना है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो हमें यार संख्या दे रखी है 96, वह 404। 96 के हमने क्या किए, टुकड़े किए, टुकड़े आया 2 की पावर 5 इंटू 3, 4 4 टुकड़े किए तो कितना आया 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इनमें से हमें मैं से निकालना है, तो मैं से कैसे निकालेंगे, दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है तो उसको लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो उभयनिष्ठ क्या है हमारा, 2 की पावर 2 है, इसमें इसमें भी 2 की पावर 2, यानी कि 2 क्या है सबसे कम वाला घात है, तो क्या आ गया हमारे मैं से बराबर 4, क्योंकि बाकी 3 इसमें नहीं है छोड़ दिया, कि उभयनिष्ठ नहीं है, 101 इसमें नहीं है तो छोड़ दिया, यानी कि हमारा मैं से कितना आ गया 4। और लैस के अंतर्गत आपको पहले तो देख लिया अभाज्य गुणनखंड कि मैं जिसकी अधिकतम घात होगी वो लेंगे, तो 2 की अधिकतम घात नहीं है 5, 3 की अधिकतम घात नहीं है ओनली 1, 3 भी ले लिया, 101 कितनी अधिकतम घात नहीं है 101, तो इनको लेस है हमारा क्या गया 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, इनको गुणनफल किया कितना आ गया 9,696, और मैं से कितना आ गया 4। अब हमारा तो मैं से और लेस से तो ज्ञात हो गया, लेकिन हमें प्रश्न में दे रखा है कि इसमें संबंध भी ज्ञात कीजिए। संबंध हो गया हमारा ए इंटू बी, यानी दो गुणांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 96 इंटू 4 4 किया कितना गया 38,784, और एचसीएफ और इंटू एलसीएम किया 4 इंटू 6 9,996, तो कितना आया 38,784, यानी दोनों सेम है तो हमारा सवाल सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। अब इसमें दे रखा है हमको कि एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है, हमको संख्या दे रखी है 3 3 दे रखी है, कहीं में 4 दे रखी है, कहीं में 2 भी दे रखी है। तो देखिए अब आपको एक फॉर्मूला अलग से दिखाता हूं मैं से ज्ञात करने का। एक साथ मैं से भी निकाल सकते हैं और लैस से भी निकाल सकते हैं, तो मैं से देखो कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले देखना है कि इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड लो, कि इनमें सब में क्या चले जाए, भाग चले जाए, डिवाइड हो जाए, तो सब में 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो छोड़ दो 2 को, उभयनिष्ठ ले ली। 3 में 3 का देखा, 3 का जा रहा है, तो उभयनिष्ठ क्या हो गया, एक तो गुणनखंड हमारा 3, 3 ही में होना चाहिए सेम, कितनी बार गया 8 बार, कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार गया 12 बार। अब देखिए इन तीनों में देखिए कि उपनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, 8 में 2 का जा रहा है लेकिन 5 क्या एक अभाज्य, तो 5 में ओनली 5 का जा सकता है, इसलिए इन तीनों में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जितनी बार गया, यानी कि इन तीनों में उपनिष्ठ क्या आ रहा है ओनली 3, तो हमारा मैसे क्या आ जाएगा ओनली 3, क्या जाएगा मैसे 3। अब लैसे निकालते हैं, यदि और उपनिष्ट होता तो और आगे दे लेते और इंटू करके यहाँ लिख देते, तो वो क्या हो जाता है इसका मैसे। लैसे में क्या होता है, सभी गुणनखंडों को इंटू करके लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए 3 तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब आगे देख लेते हैं, 2 का जा रहा है 4 बार, इसमें नहीं जा रहा छोड़ दिया, इसमें जा रहा है 6 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा छोड़ दिया, इसमें 3 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार, नहीं जा रहा छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, अब देंगे 3 का, नहीं जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है, फिर 5 का देंगे 1 1, यानी सब में हो गया। अब जो भी लैस के अंतर्गत आएंगे सभी को क्या करेंगे, गुणनफल, तो लैस देख लेते हैं 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या करना है इनको गुणनफल करना है। तो मेरी 2 इंटू 1 मिनट, गुणा करते हैं 3 5 15, 15 दुनिया 30, 30 दुनिया 60, 60 दुनिया 120, 120 इंटू क्या करेंगे 3 बार 36, यानी 360, तो हो गया हमारा 360, क्या हो गया ये तो हमारा लेस है, और मैं से कितना आ गया
तीन। तो ये पे क्या हो गया हमारा पहला सवाल। उसी प्रकार देखते हैं अगला सवाल हमारा। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। क्या निकालना है सबसे पहले इसका गुणनफल, क्या निकालना है गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 17, 23, 29 में ऐसा अंक देखिए या ऐसा अभाज्य गुणनखंड देखिए कि सभी में क्या चला जाए भाग। तो 17 क्या एक अभाज्य संख्या, 23 क्या एक अभाज्य संख्या, 29 भी क्या एक अभाज्य संख्या, यानी कि इनमें किसी में भी एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एक ओनली क्या जाएगा, एक। तो एक हमारा क्या हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड इस सभी तीनों में। तो इसमें 17 बार, 23 बार, 29। तो हमारा जो मैस है, मैंने बताया था सभी में क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ, तो हमारा मैस क्या आ जाएगा एक। मैस क्या हो जाएगा एक। अब लेस निकालना है तो लेस अलग से निकाल लेंगे। 17 में 17 का जाएगा, एक बार गया, 23 में नहीं जा रहा, 29 में भी नहीं जा रहा, 23 में 23 का जाएगा, एक बार, 29 में 29 का जाएगा, क्योंकि सभी क्या एक अभाज्य संख्या, सभी क्या एक अभाज्य संख्या। अब इन सभी तीनों क्या कर देंगे गुणनफल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा लेस। सत्रह इंटू 23 इंटू 29। तो देखिए इन तीनों क्या कर देंगे गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा लेस है। 17 इंटू 23 करेंगे 51, असल की 5, 34 और 5 39। ठीक है, ये तो हो गया 17 इंटू 23। अब क्या करेंगे 29 से गुणा और करेंगे। तो 29 से गुणा करेंगे तो इधर कर लेते हैं आप। देखिए 9 एकम 9, 9 81 हासिल की 8, 27 और 8 35, 2 का 2 18 हासिल की 1, 6 1 7, जोड़ के लिख देंगे 9, 3, 3 और 11। तो हमारा लैसे कितना गया 11,339। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए कि आपको यदि मैसे निकालना हो तो मैसे एक साथ निकालने की, तो एक साथ कैसे निकालेंगे, सभी में क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनफल गुणनखंड होना चाहिए। तो इन तीनों में सेम किसका जा रहा है, तीन का है कि इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यानी कि ये तीन जो है इन तीनों क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो तीन में तीन हो गया, लेकिन यहाँ आकर के हमारा भाग जाता हुआ रुक गया, यानी कि सब में या तो अलग अलग जाएगा या फिर दो में जाएगा या फिर एक में जाएगा, एक संख्या में जाएगा। तो यहाँ 5 क्या एक अभाज्य, यानी कि सब में जाता है, यहाँ रुक गया भाग डिवाइड होता। तो हमारा जितनी बार भाग गया है उससे पहले जितने गुणनखंड आए हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मैसे के अंतर्गत। और लैसे में क्या होता है सभी गुण अभाज्य गुणखंडों को गुणफल के रूप में लिख कर क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। तो 3 तो शुरू में गया था भाग, कितनी बार गया, 2 की पावर 3 बार गया था, फिर 3 का गया था, फिर 5 बार। इन सभी को क्या किया हमने इंटू किया, कितना है 360। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरे में क्या है 17, 23, 29 तीनों ही क्या एक अभाज्य, तो तीनों में कोई भी उपनिष्ठ गुण करनी है तो ओनली क्या है एक। तो एक तो क्या गया हमारा मैसा है, और सब में अलग अलग जाएगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या कर लेंगे गुणनफल कर लेंगे, तो कितना आया 11,339। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आपको नई अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद।